हसनपुर प्रिंट मीडिया के पत्रकार को दरोगा ने वीडियो बनाने पर सिपाही के साथ मिलकर जमकर पीटा। तहसील हसनपुर के रहरा चौकी क्षेत्र के कस्बा रहरा में जहां एक दरोगा एक पुलिसकर्मी के साथ सादा वर्दी में प्राइवेट गाड़ी से ठेले वालों एवं लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। शराब के नशे में धुत दरोगा ने जमकर कोहराम मचाया। वहीं जब इसकी वीडियोग्राफी करने के लिए प्रिंट मीडिया के पत्रकार ने मोबाइल में कैद करनी चाही तो दरोगा ने पुलिसकर्मी के साथ मिलकर प्रिंट मीडिया पत्रकार के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रिंट मीडिया का पत्रकार किडनी का पेशेंट बताया जा रहा है। उसके बावजूद भी दरोगा ने जरा सा भी रहम नहीं किया। एक तरफ तो योगी सरकार पत्रकारों के साथ पुलिस से सही व्यवहार करने के निर्देश दे रही है तो दूसरी तरफ योगी सरकार में ही पुलिस एवं बदमाशों का रवैया खुलकर सामने आ रहा है। कहीं पत्रकारों को गोली मारी जा रही है तो कहीं पत्रकारों की बेरहमी से पिटाई की जा रही है, लेकिन पुलिस महकमा जानकर भी अनजान बना हुआ है। मामले में कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही आलम रहा तो पत्रकारों को अपनी जान बचानी भारी पड़ जाएगी और खाकी ही पत्रकारों की पिटाई करती रहेगी। बड़े बड़े बदमाशों की खाकी से मिली भगत है। उसका जीता जागता प्रमाण विकास दुबे है, जिसके लिंक में रहने के बाद भी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। ऐसे ही आए दिन पत्रकार पिटते रहेंगे तो लोगों का प्रशासन से भरोसा उठ जाएगा। वहीं पत्रकार की पत्नी ने मांग करते हुए कहा कि अधिक मात्रा में शराब पिए हुए दरोगा द्वारा उनके 3 साल से बीमार पति के साथ बेरहमी से नीचे लिटाकर मारपीट की, उसके बाद उनको गाड़ी में डालकर गलत इरादे से ले जाया जा रहा था। लेकिन पत्रकार की पत्नी एवं स्थानीय लोगों ने पत्रकार को बचा लिया। अगर ऐसे ही पुलिस दबंग बनी रही तो पत्रकारों की हत्या होना लाजमी है। ऐसे शराबी एवं भ्रष्ट दरोगा के खिलाफ कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जबकि आला अधिकारी जानकर भी अनजान बने हुए हैं। मैं दीपा त्यागी, वाइफ ऑफ वीरेंद्र कुमार त्यागी, थाना आदमपुर चौकी रहरा निवासी रहरा की हूँ। चौकी से शाम एक सादी वर्दी में दरोगा आकर मारपीट में बदतमीजी करने लगता है। इस पर मेरे पति वीरेंद्र कुमार त्यागी एक स्थानीय पत्रकार हैं, वो इस मामले की क्लिक करने लगे तो इस पर दरोगा ने नाराज होकर उनके मोबाइल को छीना और उनसे बदतमीजी करी, उन्हें नीचे गिरा दिया और आग पे चोट भी मारी और गाड़ी में उन्हें ज़बरदस्ती लिटाना शुरू कर दिया। इस पर मैंने और कुछ स्थानीय लोगों ने आकर उन्हें रोका, तब मैं अपने पति को बचा पाई। वे विदाउट यूनिफॉर्म थे और निजी गाड़ी से थे, वो मतलब पुलिस की गाड़ी में नहीं थे, वो अपनी निजी वाहन से थे और विदाउट यूनिफॉर्म थे और उन्होंने बहुत ही जाकर और वो बहुत मात्रा में शराब पिए हुए थे। शराब के नशे में आकर उन्होंने ये सारी बदतमीजी की। मेरे पति 2.5 साल से गंभीर रूप से बीमार है। उनकी किडनी और लीवर का इलाज मेरठ से चल रहा है। वो सही से बोल भी नहीं सकते।